दोस्तों, जब आप अपने आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्राम अपलोड करते हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेसिंग आ रही है। क्यों आती है ये प्रॉब्लम और कैसे ठीक किया जाए इसको, इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फाइल्स में जाके एग्जांपल में बेसिक में बेसिक को खोलेंगे, उसके बाद ब्लिंक प्रोग्राम को खोलेंगे। इसके बाद हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया, हम टूल्स में जाएंगे और अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके पास बोर्ड है उसे सिलेक्ट कर लें और प्रोसेसर उसका कर लेंगे और पोर्ट का सिलेक्ट करेंगे। पोर्ट हमें नहीं पता तो ज़्यादातर कॉमन 3 होता है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। अपलोड करने से पहले कंपाइल करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम में कोई एरर होता है तो पता चल जाता है। तो गलत प्रोग्राम अपलोड करने से आपका बोर्ड खराब भी हो सकता है। इसके बाद हमारा कंपाइलेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। हम अब प्रोग्राम अपलोड करेंगे आर्डिनो बोर्ड में। ये हमारा प्रोग्राम आ रही है, AVR डूड STK 500, ये प्रोग्राम आ रही है। इसका हम अपने कंप्यूटर में जाएंगे डिवाइस मैनेजर में और पोर्ट देखेंगे, अपना जो USB टू सीरियल पोर्ट है और पोर्ट नीचे दिया गया इसमें देखेंगे आर्डिनो शो हो रहा है या नहीं। यहाँ पर हमारे शो नहीं हो रहा आर्डिनो बोर्ड, इसका ड्राइवर अपडेट करेंगे। यहाँ विंडो में सर्च का ऑप्शन है, उसमें जाके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये लोड हो जाएगा, नहीं तो आप अपने आर्डिनो बोर्ड में ये पीछे एक चिप दी होती है CH340C है मेरे केस में, ये इसका नंबर आप देख के ड्राइवर गूगल पे आप सर्च करेंगे। ये नंबर आप डाल के जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आप डालेंगे। यहाँ पे जो लिंक है इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये ड्राइवर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो ड्राइवर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर लें उसके लिए डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ के लिए मैं अपना ड्राइवर डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारा डाउनलोड हो गया, 189 KB का प्रोग्राम। अब इसे अनजिप कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके लोकेशन ऊपर ओपन करेंगे। ये हमारा अभी जो डाउनलोड किया था इसको अब इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमने इंस्टॉल कर लिया, 8 से 10 सेकंड लगेंगे इसको इंस्टॉल होने में। ये हमारा ड्राइवर इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया। अब हम डिवाइस मैनेजर में जाकर पोर्ट देखेंगे। यहाँ पे USB सीरियल 340.COM4 आ रहा है। हम अपने आर्डिनो प्रोग्राम में टूल्स में जाके पोर्ट जो है COM4 सिलेक्ट करेंगे। अब हम प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करेंगे। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब इसे बोर्ड में अपलोड करेंगे। ये हमने अपलोड कर दिया, अपलोडिंग डन हो गई, प्रोग्राम हमारा अपलोड हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।